अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रोही न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना मरूज। आइए आपको आगाह करते हैं आज की अहम तरीन खबरों से। जामिन हुसैन भक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रुझान चेयरमैन ब्राय स्टैंडिंग कमेटी पावर डिवीजन रुकने कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी की सदारत में मीटिंग, बिजली से तमाम तरक्याती मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पावर डिवीजन सरदार रियाज महमूद मजारी बिजली के जारी तरक्याती मंसूबों को फौरी तौर पर जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकाम सादिर किए। प्रेस रिलीज के मुताबिक हालिया फ्लड के नुकसान और उनके तखमीये के लिए कैबिनेट में ब्रीफिंग लिया जाएगा, जिसके लिए खसूसी तौर पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एसएन इकबाल साहब को अगली मीटिंग में मदू किया जाएगा और किसानों के बिजली के बिल के मसाइल के लिए कैबिनेट डिवीजन को उनके मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज दी जाएगी और मसाइल हल करने की सिफारिश की जाएगी और तब तक किसानों के कनेक्शन मुनकता नहीं किए जाएंगे और न ही उनके बिजली के बिल्स पर लेट फीस जुर्माने लगाए जाएंगे। इस मामले के हल के लिए वजारत ने तमाम तकसीम कर कंपनियों को मरसला जारी कर दिया। अपने जानी मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज़।